What is up, riders? How are you all doing? This is Saurav and I welcome you back to the channel. This is our day 4 of the Ladakh trip और अभी मैं हूँ द्रास में. सुबह का टाइम हुआ है 8:10. हम यहाँ पर कल शाम को पहुँचे थे. कल की राइड हमारी ठीक थी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू बैड पैचेस जहाँ पे रोड सारा टूटा हुआ था और हमें ट्रक्स वगैरह का बहुत जाम मिला और जो उनका स्मोक वगैरह निकलता है इतना, उससे मेरा गला पकड़ा गया है और अब हमारी बॉडी पे भी थोड़ा एक्जर्शन वगैरह दिखने लग गया है, मसल्स वगैरह थोड़े स्ट्रेन हो चुके हैं, बट आई गेस इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ मोटरसाइकिल राइड. यू नो आई हैव टू शो यू समथिंग फ्रॉम माई विंडो. लुक एट दैट गाइस, कैन यू सी दैट माउंटेन ओवर देयर? दैट माउंटेन इज टाइगर हिल और कारगिल वॉर के वक्त वहाँ से यहाँ पर जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ तक उन लोगों ने शेलिंग की थी. पूरे द्रास को उन्होंने एनगल्फ कर दिया था अपनी शेलिंग से. तो अभी मैं अक्रॉस द रोड जा रहा हूँ टू गेट माई सेल्फ अ कप ऑफ टी और वापस आके बाइक पे अपना सामान लोड करूँगा, विच इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट एज यू ऑल नो. और उसके बाद हम अपनी राइड आगे कंटिन्यू करते हैं. एक बार मैं आप लोगों को ना अपना लगेज भी दिखाता हूँ, कितना कम सामान हम जारी करते हैं. ये 3 लोगों का सामान है, बस इतना सा ही है, थोड़ा ये ज्यादा नहीं है. हाय आलन. हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पैट ब्रो. ग्रेट, सी यू गाइस इन अ बिट. द्रास की मेन मार्केट कुछ ऐसे दिखती है. और मैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में पहुंच गया हूँ चाय के लिए. गुड मॉर्निंग, यू ऑलरेडी हियर? आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल जेंटलमैन हियर. ओह नाइस. Telling me about. I'm sorry. I'm Rakesh Chaudhary. Nice to meet you, sir. Same here. My chai is here, and the gentleman right here is insisting that I don't pay for the tea. I think I should. No, you are guest. You are guest. No, you're too kind. Thank you so much for the wonderful tea. Have a safe journey. Yes, thanks. Before we start riding, there's one very important thing which needs to be done, which is bike's chain lubrication and cleaning. Alright everyone, we're starting out for Leh right now and I've just reset my trip meter. Alright, here we go. It is a beautiful bright sunny morning और हम सारे निकल पड़े हैं. अभी सुबह के 10:12 हुए हैं और आज हम कवर करेंगे करीब 270 किलोमीटर्स और हम ले पहुँचेंगे शाम तक. सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी रही. आई वोक अप सो फ्रेश, आई एम वेल रेस्टेड. उसके बाद मैंने अपनी बाइक का कुछ चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेशन किया एंड देन आई हेडेड आउट टू हैव टी वेयर आई मेट दिस जेंटलमैन हु वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी एंड दे कंस्ट्रक्टिंग अ रोड एट 17,000 feet. इमेजिन 17,000 feet. और ये जगह ना टाइगर हिल के पास सिचुएटेड है. लेट मी गेट सम फ्यूल फर्स्ट. ऑटो कट ऑफ पे रोक दीजिएगा. ऑटो कट नहीं हो जाएगा? नहीं होता, डंडी है ना. हाँ, अच्छा अच्छा. चाचा कह रहे बाकी में इसको बहुत भूख लगी थी. आज ऑलमोस्ट रनिंग ऑन एन एम्प्टी टैंक. तो अभी 1,328 रुपये का पेट्रोल डला है, कुछ 13 लीटर. सो कंटिन्यूइंग विद माय स्टोरी, उन्होंने मुझे बताया कि कारगिल वॉर के वक्त कितनी ब्रेवरी के साथ इंडियन आर्मी ने फाइट किया और इतनी ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में भी कैसे हमारी आर्मी ने ये वॉर जीती. तो उनसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. वी हैड सच ए नाइस कॉन्वर्सेशन. मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब किसी वेल एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड आदमी से मिलता हूँ और हम कुछ बातचीत करते हैं और उनसे कुछ सीखने को मिलता है. एंड ऑल्सो थैंक यू मिस्टर राकेश, यू डिडंट लेट मी पे एट दैट रेस्टोरेंट. थैंक यू फॉर दैट अमेजिंग कप ऑफ टी. All right, so we're going upward and onwards.
और सामने देखो ये जो माउंटेन रेंज है, क्या स्पेक्टाकुलर लग रही है। अभी ये टेम्परेचर 20 डिग्री दिखा रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर ड्रॉप ही करेगा। और मैंने अपना विंटर लाइनर इस टैंक बैग में रख लिया, ज़रूरत पड़ने पर मैं निकालूंगा। अभी तो काफ़ी प्लेजेंट है। इनफैक्ट सो वी आर हियर एट द कारगिल वॉर मेमोरियल। So we guys are entering the Kargil War Memorial right now. I'm quite excited to be here. देखते हैं अंदर क्या है। वो तीन पीक्स दिख रही हैं आपको सामने, जो लेफ्ट पर है दैट इज बत्रा टॉप, बीच वाला है राइनो हॉर्न और जो राइट पे एक्सट्रीम टाइगर हिल। ऑलराइट गाइस, अभी 12:40 हो गए हैं और हम यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल से निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया, इस वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। सो वील ट्राई नॉट टू वेस्ट मच टाइम एंड वील कीप गोइंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन एंड आई रियली होप वी कैन रीच ले वेरी सून। मेमोरियल का विजिट ना काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा। एक कैडेट ने हमें 8-8.5 मिनट की ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने एक्सप्लेन किया हाउ सम ऑफ आर पीक्स वर कैप्चर्ड बाय द अदर साइड एंड हाउ ब्रेवली एंड वैलेंटली द आर्मी फॉट एंड कैप्चर्ड आवर पीक्स बैक। यू नो वी गाइस आर ट्रैवलिंग, हम इतने सुंदर नज़ारे देख पा रहे हैं, वी हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। आई एम गेटिंग टू डू दिस बाइक राइड इज ऑल थैंक्स टू द आर्मी। इफ इट वॉन्ट फॉर देम परहैप्स दिस पार्ट ऑफ कारगिल वुड हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द एनिमी। Hey, these guys are finally caught up with them. We just had to do a small formality. We had to put our bike numbers down in the register. They want to keep a track ki yahan se kaun sa vehicle gaya hai. और ये देखो ये लेफ्ट पे सुरु रिवर फ्लो कर रही है और अभी इस वक्त इसका फ्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ द समर्स। ये सारी आइस ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होके सारा यहाँ से फ्लो करता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम पासिंग थ्रू कारगिल राइट नाउ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ऑसम वैली, लुक्स सो स्पेक्टाकुलर। और ले का रास्ता यहाँ से सीधा है करीब 225 किलोमीटर्स। अभी 2:10 होने वाले हैं और कारगिल भी मैंने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से लेकर डिस्टेंस बचा है करीब 220 किलोमीटर और मुझे लगता है हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी वहाँ पे। आगे कमल भाई जा रहे हैं, ही इज़ विद द दिल्ली पुलिस एंड ही सच अ जेंटल गाय मैन। जो लोगों की ओपिनियन होती है ना पुलिस वाले के बारे में, ही इज़ द एब्सोल्यूट ऑपोजिट एटलीस्ट विद मी। ही इज़ सच अ स्वीट हार्ट मैन एंड दिस कम्स फ्रॉम माई हार्ट। आई रियली लाइक राइडिंग विद दिस गाय एंड हैंगिंग आउट विद हिम। दिस इज हिज 9th टाइम कमिंग टू लेह लद्दाख एंड ही डजंट मिस आउट ऑन अ सिंगल चांस। जब इनको लद्दाख आने का मौका मिलता है ये हमेशा यहाँ पर आते हैं। It is 2:58 PM and I'm crossing through this beautiful village called Mulbeck and just check out how amazing this place is. Oh my god, I've never seen a place like this before. And there's a monastery right up there on top of that hill. मैंने यहाँ पर रुका और मैंने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए विच आई एम गोना पोस्ट ऑन माई ग्राम। जस्ट इन केस यू गैस डोंट नो, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज @motorbikevlogs इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो इट।
Look how brilliantly the landscape changes every few kilometers. पीछे कुछ और था और यहाँ देखो इतने brilliant shades of brown दिख रहे हैं. ये terrain और ये desert इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस वक्त. Well, this is surely the best ride I've ever been on and I'm so thrilled and excited about it. I really can't contain my happiness. और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आगे हमें कितने और stunning views और landscapes देखने को मिलेंगे. Ladies and gentlemen, I'm at Namikla top right now and just look at this. अभी तक इतने समय से हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे बट Namikla टॉप पहुंचने के बाद जो कि है 12,198 फीट पे उसको क्रॉस करते ही अब हम डाउनहिल जा रहे हैं और हम यहां से बहुत सेवरल किलोमीटर्स डाउनहिल ही जाएंगे. सी लामा यूरू यहां से 39 किलोमीटर्स रह गया है और ले है 162 किलोमीटर्स. आई एम क्रॉसिंग बुद्ध खरबू और इतना ज़्यादा पीसफुल सा टाउन लग रहा है. इनकी कंस्ट्रक्शन कितनी सही है. Look at that mountain there, ladies and gentlemen. और उसके पीछे वाला देखो स्नो से एकदम कवर्ड है. You know, it's like Mother Nature has called you for a theatrical show and she's asking you, come my child, since you've come thus far, I've got the best seats for you in the house. So sit back, enjoy the view. Just look at this. There's a baby lamb in there, so cute. So we are entering Lama Yuru right now, और यहाँ पे military की बहुत presence है. पीछे कहीं पे लिखा भी हुआ था no photography और videography. तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये आर्मी का एरिया है मैं वो बिल्कुल शूट नहीं करूँगा. ये देखो ये घर कितने अच्छे लग रहे हैं और ये पहाड़ के बीच में इन्होंने बनाए हुए हैं और ये रोज उतरते चढ़ते होंगे ये सब. यहाँ से ले है 120 किलोमीटर्स. लुक एट दिस हाउस मैन, सो प्रिटी. ये देखो यार ये कैसे पहाड़ है मिट्टी के बने हुए. इस वाले रेंज का कलर देखो और उसके पीछे देखो वो वहां पे अलग ही ग्रीन दिख रहा है और यहाँ पे ये सारा लाइट ब्राउन और बेज का शेड दिख रहा है. क्योंकि दस यहाँ एकदम वैली के बीचों बीच ये रोड जाती हुई और मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी और ही प्लानेट पे अपनी मोटरसाइकिल राइड कर रहा हूँ. इन व्यूज़ का कोई मुकाबला नहीं है ब्रो. हर 5 किलोमीटर के बाद इतना ज़्यादा सुंदर लैंडस्केप हो जाता है. एवरीथिंग चेंजेस. और ये देखो कैसे इस माउंटेन को काट काट के ये सड़क इन्होंने बनाई है. ले इज 97 किलोमीटर्स एंड इट सेज आई हैव टू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर. I guess I'll have to check with someone. Oh no, it says Leh straight, 97 kilometers. यहाँ पे एक और एंट्री करानी पड़ती है तभी हम लोग रुके हुए हैं. It is 6:10 p.m. and we've done about 202 kilometers and it just started to drizzle. Leh is about 74 kilometers from here.
Last time when I came to Leh was in September 2023 and I had taken a flight. Actually, उस वक्त मेरा शो था. We performed at a festival called the Outback Festival. And I think most certainly this time around in September we're going to perform there again. I'm sure आप लोगों ने उस फेस्टिवल का नाम सुना होगा. राइडिंग कम्युनिटी में वो काफ़ी फेमस फेस्टिवल है. इट इज़ अबाउट मोटरसाइकिल्स, फूड एंड गुड म्यूजिक. और अगर आपको इस बारे में नहीं मालूम, देन यू गाइस बेटर चेक इट आउट. इट हैपेंस इन सितंबर. ऑलराइट, लेह इज 48 किलोमीटर्स एंड दैट माउंटेन रेंज लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड मिल्की. नो, आई एम जस्ट किडिंग, बट इट लुक्स रियली नाइस, डजंट इट? जस्ट लुक एट इट. Yesterday at about 6:45 PM we were in Dras and I was so happy because that meant that we could chill a little और हम थोड़ा ज़्यादा rest कर सकते हैं. I hope आज भी हम होटल थोड़ा time पे पहुँच जाए और check in कर लें. वैसे कल हमारा chill day है. We are taking a break from the ride. We're gonna stay back in Leh for a day. और thank you so much, he's giving me a pass. And we're gonna go around town और वहाँ पे कुछ देखेंगे, थोड़ी sightseeing करेंगे और अपना chill करेंगे. This is the confluence point. This river is the Zanskar and this is the Indus or the Sindhu. ये Zanskar Valley से flow होते हुए आ रही है and both these rivers meet at a village called Nimmu. ये देखो इसका कितना ज़्यादा muddy water है और इसका blue color का water है. और I think हमें अब आगे चलना चाहिए. We are getting late. So how did you guys like the confluence point? If you guys liked it, then consider supporting my channel. Kindly hit that thumbs up button, subscribe, leave a comment, give your feedback. I'll try to work upon it. And here we are at the magnetic hill. This road is constructed in the middle of a valley or isme na ek natural incline, because of which the mind gets tricked aur ek aisa illusion lagta hai ki jaise downward incline upward lagne lagti hai. यहाँ के जो विलेजर्स हैं ना, बहुत साल पहले उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जब वो अपनी गाड़ियाँ न्यूट्रल में छोड़ते थे तो वो एक डायरेक्शन में रोल होने लग जाती थी अपने आप. तब से इसका नाम पड़ गया है मैग्नेटिक हिल. एंड दिस इज द गुरुद्वारा पत्थर साहिब. इसका भी एक बहुत बड़ा लेजेंड और एक टेल है. और ये 11,533 फीट की ऊंचाई पर है. And guys, can you see those twinkling and sparkling lights over there? We are here, ladies and gentlemen. We are in Leh. इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है ना मुझे यहाँ पर पहुँच के. फाइनली वी आर हेयर. इतने टाइम से मैं प्लान कर रहा था ये राइड और अब जाके मटीरियलाइज हुई है. टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई एम फीलिंग जॉयस, प्राउड एंड आई एम फीलिंग सो एक्सिलरेटेड. लास्ट ईयर सितंबर में जब यहाँ पर आया था ना फ्लाइट से, तब मैंने सोचा था दैट आई एम गोना डू दिस ऑन अ मोटरसाइकिल एंड आई हैव डन इट. So now we headed towards our guest house or the hotel. Kamal bhai jo mere samne chal rahe hain, unhone book kiya hai and I have heard that it's a really nice place. It's very comfortable. So I can't wait to check in, have a shower and relax. Checked into this beautiful property aur abhi raat ke 10 baj gaye hain. I've taken a shower and everything. Right now I'm going to get some dinner. That is the restaurant, ladies and gentlemen. This is the dining area. Hello. Sup brothers. Hi. What do we have on the menu? Let's start feasting. Chicken chawal in. It looks so good, man. How's the grub, guys? Nice, nice.
Very nice. I have to tell you guys this. It is such a blessing कि इतनी लंबी ride के बाद हमें इतना warm और इतना fresh food मिल रहा है. So I'm headed to the room after an incredible meal and what a day it was. It's time to wrap up the vlog, but I have to tell you we covered 275 kilometers from Dras to Leh. और इतनी ज़्यादा smooth sailing ride थी. The terrain was awesome. इतने हमने अच्छे नज़ारे देखे and the road was beautiful. And I'm gonna call it a day. If you like the content, you can support my channel by hitting that thumbs up, subscribe to the channel. It will mean a lot to me. Take good care of yourselves. Remember to wear your riding gear always. Life is beautiful. Enjoy the ride. Take care, guys. Good night.